आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, जिनके लिए आज का दिन यानी कि 26 अप्रैल का दिन विदाई समारोह के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि जिन 5 सीटों पर आज यानी कि 26 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं और इन सीटों से जुड़ी जो ग्राउंड रियलिटी सामने आ रही है, उससे यह साफ हो रहा है कि दूसरे चरण की 5 सीटों पर जेडीयू चुनाव हार रही है। उन 5 सीटों के ग्राउंड रियलिटी को बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि आखिर क्यों लोगों ने नीतीश कुमार को इन सीटों पर रिजेक्ट कर दिया है। उससे पहले आपको बता दें कि आज पूरे देश में दूसरे चरण का मतदान सुबह से हो रहा है, जिसमें बिहार में सीधे सीधे जेडीयू की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि जिन बिहार की 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें से सभी सीटों पर एनडीए की तरफ से जेडीयू ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी इन सीटों से सामने निकल कर आ रही है, वह नीतीश कुमार की विदाई की ओर इशारा कर रहा है। बात करें इन 5 सीटों के ग्राउंड रियलिटी की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है बांका का, जहां स्थानीय सांसद से लोगों की नाराजगी जेडीयू पर भारी पड़ रही है, तो वहीं राजद प्रत्याशी की मेहनत रंग ला रही है। दूसरा नाम आता है किशनगंज का, जहां नीतीश कुमार की दोहरी मानसिकता मुसलमानों को जेडीयू के करीब नहीं ला रही है, इसीलिए लड़ाई अब AIMIM और कांग्रेस के बीच बच गया है। तीसरा नाम आता है कटिहार का, जहां उस समय तक जेडीयू की स्थिति ठीक मानी जा रही थी जब तक अशफाक करीम निर्दलीय मैदान में थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने अशफाक करीम को जेडीयू में शामिल करा लिया है, उसके बाद से तारिक अनवर की स्थिति सही हो गई है। चौथा नाम आता है पूर्णिया का, जहां पप्पू यादव का जिस तरह का लहर चल रहा है, उससे ऐसे ही जेडीयू के हाथ से यह सीट निकलती जा रही है। पांचवा नाम आता है भागलपुर का, जहां अजीत शर्मा के उम्मीदवार बनने से भूमिहार वोट महागठबंधन के तरफ आ रहे हैं, जो जेडीयू का गेम खराब कर दिया है। वैसे यही है वे दूसरे चरण की 5 सीट, जिसके माध्यम से आज लोगों द्वारा नीतीश कुमार की विदाई की जा रही है। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।